अरे आप पैंट छोड़ो ना, नया फैशन ऑनलाइन ऑनलाइन खरीदारी पे नया, कोई भी जहाँ से आया वहाँ का कुछ है ही नहीं, बैग ही नहीं, ये इनके यही का है, यही चेंज ये ये चेंज ये ले ले ये लो बेटा, ये लो बेटा, भंडारी जी के चेहरे के आगे ये नोट वोटों की सब दिखाई दे रही है। उसको पिला दे, तुम चले जाओ बाहर, उसको पिला दो, उसको पिला दो। अरे आप पैंट छोड़ो ना, आप ये देखो नया फैशन ऑनलाइन ऑनलाइन खरीदारी पे नया फैशन आया है। ये शर्ट आई है, कम से कम धोखे देते तो हो सकता है कोई पहन ले। ये देखो ना कलर, चिचड़े चिचड़े। देखिए हमारे ये जो आवास विकास के व्यापारी हैं नरेश छाबड़ा जी, इनका प्रिंस मेडिकल स्टोर है आवास विकास में, चार साहिबजादे चौक पर। इनके बेटे हैं ये अनमोल छाबड़ा जी। नरेश जी हमारे परिवार के हैं, हमारे दुबू शहर के ही हैं, और इनके बेटे ने 16 तारीख को 949 रुपये में ये मेंज फैशन के नाम से, MENZ मेंज फैशन के नाम से इन्होंने ऑनलाइन परचेसिंग करी थी, और आज इनको भी थोड़ी देर पहले डिलीवरी हुई थी। अब जैसे इनकी जैसी डिलीवरी खोल के देखा, 949 रुपये इनको डिलीवरी बॉय को उन्होंने अपने अकाउंट में डाल के भी दिए। ये शैडोफैक्स कुरियर है जो अलायंस कंपनी के पास है, जो इसका काम करती है। और जब हम लोगों ने इसको देखा हमारे इन्होंने तो देखा तो इसके अंदर ये फटे हुए कपड़े निकले इसके अंदर। तो हमारा कहना है कि देखो इन्होंने तो अपना ट्राउजर ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन उसमें निकल रहे हैं फटे हुए कपड़े। इन्होंने दो ट्राउजर करा था, बल्कि दो ट्राउजर का एक पैंट निकली फटी हुई, और शर्ट, और ऐसी शर्ट आपने भी देखी होगी कि जिसको हम मतलब कोई भी नहीं पहन सकता, गरीब से गरीब व्यक्ति भी नहीं पहन सकता, बहुत छोटे छोटे व्यक्ति नहीं पहन सकता। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ इनके साथ। तो मेरा कहना है कि हम लोग जैसे जिस तरह हम लोग आए दिन जैसे ऑनलाइन माल मंगा लेते हैं, तो हम मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भाई ऑनलाइन काम मत करो, अब तो हमारे बिल्कुल अब तो लाइन पर आ जाइए। जो हमारी मेन लाइन है, मेन लाइन का मतलब ये हुआ कि रुद्रपुर शहर के दुकानदारों से मान लीजिए, वो आपको आपको अपने हर चीज का संतुष्टि कराते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई चीज खराब पसंद करिए, साइज देखिए, सारी चीजें करें। ये तो ऑनलाइन है, देखिए धोखाधड़ी हो गई। ये तो हमारे इस कंपनी के जो शैडोफैक्स कंपनी के जो हमारे मैनेजर थे, ये जो हमारे यहाँ पर जो आए थे सुमन सरदार, जो हमारे दुबू शहर के रहने वाले हैं, तो इन्होंने अपनी इन्होंने माना, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने माना वो पैसे रिप्लेस करें। तो हमारा देखिए आज ये तो 949 का मामला था, कहीं ये 49,000 का मामला होता या और लाख दो लाख का मामला होता तो कौन भरता। तो मैं भी आपके सब लोग जो ये देख रहे हैं आपके चैनल सब वीडियो में से कहना चाहता हूं कि ये सब ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो रहा है। आप लोग मेन लाइन पर आइए, रुद्रपुर शहर के व्यापारियों से मान लीजिए, उनकी सारी जिम्मेदारी गारंटी हमारी है। कार्गोज मंगाई थी, मैन फैशन का एक स्टोर था, वेबसाइट थी वहां से, तो ऑनलाइन इन्होंने मेरे को डिलीवरी दी। यहाँ पे आके दो कार्गोज अंदर से ये शर्ट और फटी हुई पैंट निकली। इनका ये फ्रॉड चलता है, स्कैम चलता है, कुरियर वालों का या कहेंगे या कंपनी वालों का। पहले भी इसी साइड से आपने डिलीवरी एक बार डिलीवरी मंगाई थी, पहले ये आया था सामान, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये हरकत अब कुरियर वालों की तरफ से या फिर इनकी तरफ से हमें नहीं पता। आप किसे दोषी मानते हैं? हम ये कुरियर वालों को, लेकिन इनकी ये थी बड़प्पन था कि इन्होंने पेमेंट वापसी करी या पकड़े जाने के डर से करी या ऐसे करी, ये हमें नहीं पता। ठीक है।